हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि काइन मास्टर में एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए काइन मास्टर को खोलिए। काइन मास्टर को जब आप खोलिएगा तो उसमें कोई एक वीडियो आपको डालना पड़ेगा जिससे आप एडिटिंग कर पाइए। तो चलिए ये वाला वीडियो ले लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। तो इसमें शायद फाइल मिसिंग हो गई है, तो दूसरी फाइल को ही ले लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट करिए और इसको स्क्रीन रिकॉर्डर में जाइए, ये वाला ले लेते हैं, इसमें ये फाइल आ जाएगी। अब इस फाइल में कुछ साउंड होगी जिसको हमें सबसे पहले म्यूट करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करिए और साउंड लीजिए और इसको म्यूट कर दीजिए जिससे पीछे की फाइल के कुछ भी साउंड ना आए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को में सारे मेनू पहले हम बताएंगे, जिसमें ये शेयर है। शेयर में क्या होगा, आप जब फाइल बना लीजिएगा तो सेव करके वो एक्सपोर्ट कर देगा। सेटिंग में जाइएगा तो आपका ऑडियो का वॉल्यूम सेट करेगा और फेड इन करेगा और फेड आउट करेगा। फेड इन अगर आप करते हैं तो शुरू की वॉइस धीमी रहेगी और फेड आउट करते हैं तो बाद की वॉइस धीमी रहेगी। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप साउंड को इसको सबसे पीछे जाना है तो इस तरह से कर देंगे और सबसे आगे आना है तो इस तरह से करेंगे। सबसे पीछे में देखिए कुछ क्लिप्स नहीं हैं तो इसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये गड़बड़ है, तो यहाँ से ऐसे करके इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हमारी जो फाइल है वो प्रॉपर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने पर आपका उसके लिए आपको ट्रिम करने से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्प्लिट की जगह को। जब इसको करा तो हमने कहा ट्रिम फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से हो जाएगा। अभी हमें लेफ्ट से नहीं करना है तो हम लोग ट्रिम फॉर राइट करेंगे। तो इसको हमने फिर से सेलेक्ट किया। आप कहीं से भी ट्रिम फॉर राइट करेंगे तो ट्रिम फॉर राइट हो जाएगा। अब इसको वापस ले आए स्प्लिट एट अ प्ले हेड, उसी जगह से स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी क्लिप डाल पाइएगा। एक्सट्रैक्ट, अब बाहर ये किया, वापस हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम कुछ डाल रहे हैं यहाँ पे। अब एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया तो अब आप देखिए आपका ऑडियो अलग हो गया। और नहीं करना है तो वापस इसको डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पर आने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट किया और इस पर गए। अब देखिए स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज आएगा। तो जब आप ये इस तरह से करिएगा तो एक क्लिप बन जाएगी। इस क्लिप को आप किसी भी ग्राफिक से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस पर हम लोग गए और यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल में लिखा लाइक एंड कमेंट। बीच में आपको शाउट आउट देना होता है वीडियो में, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप जब प्ले करिएगा तो यहाँ पर आएगा लाइक एंड कमेंट, तो बीच में आप क्लिप ऐड कर पाइएगा। अब हम लोग फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको वापस कर देते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए तो इसको वापस कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉप कैसे करते हैं। तो क्रॉप करने के लिए जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे क्रॉप करेंगे तो वो पूछेगा कि स्टार्ट पोजीशन क्या है, एंड पोजीशन क्या है। जो आप दे दीजिएगा उसको ऐसे सेट कर लीजिएगा और फिर प्ले करिएगा तो वो जूम करेगा। जूम हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया है तो अभी फिर से करके देखते हैं। इसको क्रॉप किया, ये किया, क्रॉपिंग कर रहा है स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन कहाँ पे लिया है देख लेते हैं। वहाँ पर वो क्रॉप कर देगा। अब फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लिप हमने पहले ही आपको बता दिया कि मोर टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे ये ट्रैवल वाला डाल सकते हैं आप। ट्रैवल के चार तरीके, इसमें स्टार्टिंग ट्रैवल और मिडिल ट्रैवल है। इस तरह से करके इसको डाल देंगे हम और प्ले करेंगे तो ट्रैवल आएगा।
इफेक्ट। अभी ये आ रहा है, ये देखिए इसमें ट्रैवल इफेक्ट में ये रेलगाड़ी आपकी आ जाएगी। अब इसकी स्पीड बहुत धीमी है तो उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ जाइए, स्पीड कंट्रोल करिए और स्पीड को बढ़ा दीजिए, 4x कर दिया। अब देखें क्या करता है, अब इसको करिए देखिए, तो ये स्पीड आपकी पहले से बढ़ जाएगी और आपका ये आने लगेगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, देखिए इसमें जो दिखा रहा है इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। विश यू लाइक दिस वीडियो जर्नी, ओके कर दी। गलत हो गया, फिर से जाइए। अब देखिए जब आप प्ले करिएगा तो कैसे आएगा, अब जब आप प्ले करिएगा तो ये देखिए विश में एच छूट गया है, तो फिर इसको ठीक कर लेते हैं। वहाँ पर विश किया और प्ले कर दिया, ये देखिए अब आपका ये पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिप भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रोटेट या मिरर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फिगर को, तो उसके लिए हम कोई एक क्लिप ले आते हैं, यहाँ पर जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका क्या क्या है, मीडिया के अंदर मीडिया लाना है तो आप यहाँ पर जाइएगा और किसी मीडिया फाइल को ले आइएगा, तो ये मीडिया फाइल आपकी आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, सेट करने के बाद इसमें इन एनिमेशन कर सकते हैं जिसमें फेड, पॉप, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, इस तरह से करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन, ये बहुत सारी है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा। इसको करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने नन कर दिया, वापस गए। अब यहाँ पर क्लिप जो हमने ऐड किया है वो यहाँ से ये प्ले करके पहले ये देख लीजिए ये वाला सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देखिए ये आपका सही हो गया। विश यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे देखिए अभी भी गड़बड़ है, तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा आ गया है, इसको डिलीट करिए, ओके करिए। तो टाइपिंग मिस्टेक में ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। यहाँ से देखिए डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी, यहाँ से आपकी कैप्चर लेयर, कैप्चर फ्रेम, कैप्चर एंड इंसर्ट राइट ऑफ क्लिप, ये सब आएगा। अब फिर चलते हैं क्लिप के बाद, स्पीड भी बता दी हमने, रोटेट कैसे करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हमें क्लिप चाहिए जो हम ले आए हैं, तो इस क्लिप को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर एनिमेशन, इसमें हमने इन एनिमेशन बता दिया, ओवरऑल एनिमेशन करिएगा तो ब्लिंक स्लो होगा, पल्स होगा, जिटर होगा, फाउंटेन इसमें एक अच्छा है, रिंग अच्छा है, फ्लोट अच्छा है, ये फाउंटेन और रिंग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, रेन अच्छा है इसमें, ये सारी एनिमेशन आप इसमें डाल सकते हैं। आउट एनिमेशन में बाहर की तरफ जाएगा और इन एनिमेशन में वो अंदर की तरफ आएगा, इन एनिमेशन में जब आप करिएगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी आउट एनिमेशन में डिफरेंट आता है, स्लाइड फेड, नन, स्लाइड राइट, ये सब आता है, और ओवरऑल एनिमेशन में आपका ये सब आ जाएगा, रिंग विंग आ जाएगा, फ्लोटिंग आ जाएगा, फाउंटेन आ जाएगा,
ड्राफ्टिंग आ जाएगा, रेन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें स्पिन क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा, तो इसमें आप ये सब लगा सकते हैं। अब ये लगा चुके, क्लिप भी हो गई आपकी, इफ़ेक्ट में चलते हैं। इफ़ेक्ट में दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, बेसिक इफ़ेक्ट, गशियन ब्लर और मोज़ेक। मोज़ेक करिएगा तो आपका मोज़ेक फॉर्म में वीडियो हो जाएगा, और गशियन ब्लर करिएगा तो आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन को ब्लर कर सकते हैं, जिसमें आपके बेसिक इफ़ेक्ट्स, जिसमें आपके फिगर स्पेस स्क्वायर, वो ये आ गया ना, ये इसको आप क्या करिएगा, जितना पोर्शन करना है उतना ही पोर्शन आप बस कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये पोर्शन छुपाना है तो हम ये पोर्शन छुपा देंगे, ये। अब इसको जब पूछेगा कि ओपेसिटी कितना देना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा लेते हैं आप कि कम लेते हैं आप, क्या लेते हैं आप। ये आ गया, ये है ना। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए ब्लर कितना ज़्यादा करना है, ये कम ज़्यादा, जितना ज़्यादा करना है कम करना है, इसको यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम लोगों को नहीं करना है तो हम लोग बाहर निकल आएंगे। ट्रिम एंड स्प्लिट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से ये जो ब्लर किया है इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। क्रॉपिंग कर सकते हैं, इसकी क्रॉप करिएगा तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। अभी हमको केवल ये फ़ोटो छिपानी थी तो केवल इसके तक गए। मास्क करिएगा तो ऐसे आ जाएगा। शेप ले लीजिए यहाँ से, स्क्वायर, ये छोटा बड़ा, स्टार, जो चाहिए वो शेप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस है ये फैसिलिटी, जिसको आप यूज़ करके अपने वीडियो को अच्छा बना सकते हैं। अब हमने ब्लर को हटा दिया, अब यहाँ पे फिर गए हम लोग ओवरले में जाएंगे। ओवरले में क्लासिक स्टिकर्स होते हैं, इसमें स्टिकर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने बॉल ले लिया, इसको यहाँ से क्लासिक स्टिकर लिया, ये आई बॉल, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज हम लोग छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये आया, इसको सेलेक्ट किया, इसकी साइज छोटी थी। अब इसको यहाँ से रखा, और अब इसको एनिमेट आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसको रोटेट करेंगे, मिरर करेंगे, ब्लेंड करेंगे। अब मिरर तो राउंड शेप नहीं होगा, तो ये सब देखिए, स्क्रीन सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड लाइट, लाइटन, डार्कन, लाइटन, ये देखिए लाइट में चला ही जाएगा, ये कलर बर्न हो जाएगा, हार्ड लाइट आ जाएगी, सॉफ्ट लाइट आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, ओवरले हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी ये सब हमको सेट नहीं करना है, तो ओरिजिनल बॉल की पोजीशन आ गई। अब हम लोगों को ये देखना है इसमें एनिमेशन का ये क्या है, फेड पॉप करेगा तो ये आ जाएगा। अब जैसे हमने शुरू में आपको दिखाया था वैसे ही नॉन आउट एनिमेशन इसमें भी लग जाएगा। ब्लेंडिंग में आपको दिखाई दिया, मल्टीपल सॉफ्ट लाइट हार्ड डार्क कलर ओपन बर्न बताई दिया आपको। ये आया बॉल, अब ये बॉल को हमें लेफ्ट से राइट ले जाना, तो यहाँ पे चाबी लेंगे और इसको प्लस करेंगे, इसको यहाँ पे बड़ा करेंगे, और फिर इसको लेते हुए यहाँ जाएंगे और यहाँ पे माइनस करके इसको यहाँ पर ले आएंगे।
और एनिमेट करेंगे। अब देखिए क्या कर पाएगा। ये देखिए ये एनिमेट हो गया है। जब आप यहाँ से प्ले करिएगा अब यहाँ से प्ले करिए इसको। ये देखिए ये बॉल छोटी से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप एनिमेशन भी इसमें डाल पाइएगा। अब लेयर में और क्या बचा हमारा? टेक्स्ट बचा। टेक्स्ट में आप जैसे हमने नीचे में टेक्स्ट लिखा है वैसे ही एंजॉय वीडियो। अब ये लिखा और ये आ गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर अब डाल देंगे इसको एंजॉय वीडियो। इसको ओवरऑल करेंगे, ब्लिंक स्लो करेंगे, तो ये देखिए आपका ये आ गया। फ्लिकर करेंगे तो ऐसा आएगा, पल्स करेंगे तो धीमे धीमे होगा, जिटर में ऐसे होगा, तो ब्लिंक स्लो ही मेरे ख्याल से। फाउंटेन भी कर सकते हैं आप लेकिन दिखेगा ही नहीं। रिंग कर सकते हैं आप, फ्लोटिंग कर सकते हैं आप, ये बल्कि बेटर लग रहा है तो इसको हम लोग ले लेते हैं। अब क्या बचा? अब बचा ये कि आप किसी चीज़ को पॉइंट भी कर सकते हैं। पॉइंट करने के लिए आपको पेन लेना पड़ेगा जो तरह तरह की है, जिसमें पहली तो केवल सिंपल है, इसको हटा दिया, फिर दूसरी आपकी पॉइंट वाली है जिसमें एरो बनेगा, इसको भी हटाया, फिर उसके बाद डबल एरो वाला है तो ये आया, इसको भी हटाया, फिर उसके बाद आपका ब्रश वाला है, इसको भी हटाया, फिर इसके बाद आपके पॉइंट वाला है। तो इस तरह से यहाँ से कलर भी आप बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने ग्रीन कर दिया, तो अब जब आप करिएगा तो ये ग्रीन आएगा। तो यहाँ से कलर भी बदल, और ये लिया तो इसमें पॉइंट का पोजीशन जो है वो मोटा पतला हो जाएगा। अब जब आप खींचेगा तो देखिए मोटा खींचा। तो इस तरह से हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। अब इसमें सारे हो गए इफेक्ट, इफेक्ट भी बता दिया हमने आपको, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे आए ओवर वॉइस रिकॉर्डिंग। ओवर वॉइस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एलिगेंस ले लिया, यहाँ पे प्लस करिए तो ये आपका वॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे सब हो गया। मीडिया के अंदर मीडिया हमने डाला ना, छोटा लड़की परी आई है इसमें, तो मीडिया चलने वाला भी आप डाल सकते हैं। तो फ़ोन ऑन जो दिखाते हैं आप स्क्रीन पे, वो चलने यहाँ से जब मीडिया डालते हैं तो वो दिखता है। मान लीजिए ये वाला डाला हम लोग ने, तो अब ये चलता हुआ मीडिया है तो ये दिखेगा आपको। तो जब आप इसको प्ले करके देखिएगा तो आपको दिखेगा। यहाँ से अब ये प्ले करते हैं, तो ये चल आपको दिखा तो चलता हुआ लेकिन इसमें साउंड नहीं है। तो ये साउंड आप ओवर वॉइस भी कर सकते हैं। तो ओवर वॉइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर जाइए, वॉइस करिए, अलाउ करिए, तो ये माइक आपका लेगा तो आपके माइक पे फिर वो आप जो बोलिएगा वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे कैनॉट बिगिन वॉइस रिकॉर्डिंग बिकॉज वन और मोर वीडियो। तो कई वीडियो इस वजह से नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप अगर सिंगल फ़ोटो लेकर के उस पर वॉइस रिकॉर्डिंग करिएगा तो हो जाएगी।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सारा हो गया, बस ये बचा है कैमरा और कैमकॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप कैमरा और यहाँ पे इनका अपना स्टोर है जिसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देखिए सेव शेयर और एक्सपोर्ट करने को कहता है, तो हम लोग को एक्सपोर्ट अभी नहीं करना, उसके पहले हमको फालतू वीडियो हटा देनी है। तो यहाँ से हम ये लेंगे और सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम करेंगे, ट्रिम टू राइट करेंगे और इस पोर्शन को हटा देंगे, जिससे वीडियो कुछ छोटा हो जाएगा और हमें एक्सपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको शेयर करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए 30 पे सेट करिए और 1080 पे सेट करिए, इसको 30 पे सेट किया और इसको 1080 पे सेट किया और एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये आपका वीडियो बन जाएगा। जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको फिर हम लोग रन करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज़ दी है, QHD, FHD और HD। तो 720 वाला वो बोलता है अपने लोगों के लिए, 720 वाला यूज़ करके हम लोग एक्सपोर्ट करके अपने लिए वीडियो बनाएंगे और YouTube पे अपलोड करेंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।